दतिया जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर गांव सीतापुर में बिजली डालने के तार को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि शाम होते होते मामूली विवाद में भोला जाटव नामक युवक की हत्या गांव के ही 8 लोगों ने कुल्हाड़ी मारकर कर दी। घटना में गोराघाट पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गोविंद जाटव, करण जाटव, मंगल जाटव, जानकी जाटव, बाबू जाटव, हरभजन जाटव, राजकुमार जाटव और रामदीन जाटव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार है। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। मजबूत कब की घटना है? वो ये सर 7:30 की। लोगों ने देखा है किसी ने? हाँ सर, वो क्या है कि मार रहे थे जो लोग, जो हम लोग यहाँ से भाग के गए, हम पिताजी, हमारी भाभी, हमारी घरवाली, चारों लोग हम गए। फिर 10 लोग, 8 लोग थे भी। कौन थे? वे गोविंद, करण, बब्बू, मंगल, जानकी, राम जी, हरभजन, राजकुमार। घटनास्थल कहाँ थे? दूर पर जी यहाँ हुई घटना, और बाकी के अन्य लोग भी हैं कुछ में। नाम सर, नाम मेरा। कहाँ के रहने वाले? सीतापुर के। क्या घटना हुई थी? घटना सवेरे कुछ मुँह बात हुआ उनसे, उसी बात पर लेकर के शाम को उन्होंने मर्डर कर दिया। कौन कौन लोगों ने? गोविंद, करण, बाबूलाल, जानकी, मंगल, राम जी, हरभजन और राजकुमार। क्या लोगों से पुरानी रंजिश थी आपकी? नहीं, रंजिश तो कोई नहीं थी, सुबह बाद हुआ बस लड़ाई का। पूरा मामला क्या है? कल रात करीबन 8:30 सूचना मिली कि हम सीतापुर में मर्डर हो गया है, डायल एंडल के जरिए। तो मौके पर पहुंचे, मौके पर भोला पुत्र कल्लू जाटव की लाश पड़ी हुई थी। उसके भाई की रिपोर्ट पर से 8 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302, 147, 148, 149 IPC के तहत मुकदमा कायम किया गया है। जो हत्या का कारण प्रथम दृष्टया मृतक के भाई ने बताया है कि कल सुबह खेत में जो इलेक्ट्रिक वायर इसके में थे मृतक के, गोविंद जाटव पे, वो लेने गया था, उसी बात पर उससे मोहबाद हो गया था। उस समय मामला रफा कर दिया था वहाँ मौजूद लोगों ने। थाने पे इस संबंध में कोई सूचना नहीं आई थी, वो हत्या का कारण बता रहे हैं। सर, उन लोगों के नाम क्या थे? 8 आरोपी हैं, इसमें गोविंद जाटव, करण जाटव, बबलू जाटव, मंगल जाटव, जानकी जाटव, हरभजन, राजकुमार, रामजी जाटव, ये सभी सीतापुर के निवासी। आठों में से किसी का पहले से अपहरण था?